कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी, हाँ वही मार लिया बिग बॉस ने अपने पिछवाड़े पर। बिग बॉस शो को हमेशा कहा गया है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं है। आज तो एलिमिनेशन, आज एलिमिनेशन का है का यार? आपको ये मेमो कहाँ से मिला? मैं फोन देख लिया। फोन देख ली के अंदर आया है फोन, जहाँ पूजा भट्ट को फोन यूज करते हुए देखा गया। ये शो उतना ही स्क्रिप्टेड नहीं है जितना सलमान खान का डांस। ये शो उतना ही अनस्क्रिप्टेड है जितना महेश भट्ट का पुजारी होना। बट फिर सच कितना ही छुप सकता है? सल्लू को तो पता ही है इस बारे में। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। शुरुआत तब हुई जब सलमान खान ने रिसेंटली एलविश यादव को इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि सलमान खान के 3 मिलियन फॉलोअर्स अलविदा कह के चले गए उनको। क्या मतलब सलमान को सब छोड़ के चले जाते हैं? इमोशनल डैमेज। इतना ही नहीं, सलमान भाई की आईडी बजाकर किसी भी फोटो पर टैप करके उसके कमेंट बॉक्स में चले जाओ, एलविश भाई के फॉलोअर्स वहाँ पे प्यार बरसा रहे बहुत गहरा वाला। सलमान भाई का तो सही में सिस्टम हैंग हो गया। ट्विटर पे देखा तो एल्विश ट्रेंड कर रहा है, इंस्टाग्राम पे देखा तो रील्स और पोस्ट पे एल्विश को ही सपोर्ट मिल रहा है, और थ्रेड्स पर भी। ये थ्रेड्स अभी भी है क्या? खैर छोड़ो, अभी बात करते हैं हम द लेजेंड, द मिथ, द डिस्ट्रॉयर, द शिट, बिग बॉस के करता धरता के बारे में। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बेबी का घनी चिड़ा है दोनों ते, हम इस मेरे ते भी इस ते भी वो या जिया नुको वाइल्ड कार्ड ने हां और नु उठा देगा दर। कौन है? कौन जाने, कुत्ता ना बूझा इसने बाहर, कुत्ते ना बूझ रहे, मेरे ते पूछना मैं आऊं बाहर। पता है इसके इसके पोस्ट पे कैसे कमेंट आते हैं? एक लाइक चढ़ा 36,000। यहाँ पे एल्विश ने कुछ तो गाली वगैरह दी होगी या कुछ भी बोला होगा बेबी का को लेकर के, तो सलमान भाई ने एल्विश भाई की मम्मी को वीडियो कॉल में बुला लिया। आपका बेटा यहाँ पर है, आप उनसे बात करें। एल्विश ऐसे मॉम, लाइक सीरियसली ब्रो, पीटीएम चल रहा है बिग बॉस में, सलमान भाई जितनी गलतियां आपने करी है ना अपनी पूरी लाइफ में, अगर हर बार आपकी मम्मी को बुलाया जाता तो उनके भी चप्पल घिस जाते, कोर्ट और थाने के चक्कर लगाते लगाते। मास्टर तो ऐसे बन रहे सलमान भाई जैसे खुद बहुत दूध के धूले हो। पर अगर किसी की मम्मी पीटीएम रखनी थी ना तो वो थी जिया, पर नहीं, वो तो बॉलीवुड से है ना, उसकी मम्मी को क्यों ही बुलाएंगे, उसको पनिशमेंट क्यों ही देंगे, उसको क्यों सुनवाएंगे भाई, बॉलीवुड से है यार वो तो कितना भी साबुन पिला सकती है, बॉलीवुड से है भाई, बॉलीवुड से है। याने बोला वो ऐसी ऐसी बात करता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और मैं तो फील सेफ फील नहीं करती उसके अराउंड, ये देख मैनिपुलेटिव निकाल। जिया जिया ओ जिया जिया, आप अनसेफ फील कर रही हैं सीरियसली? अबे हमारे में पानी पिलाना धर्म का काम होता, मजाक से हटके, पर ऐसे कोई नहीं करता। तो इतना क्या हो गया यार? बता रहा हूं। नहीं, मैं आयरनी नहीं हो गई भयंकर सी? नहीं, आपको क्या लगता है ये वाला पानी पी करके आदमी के सूसू से शरबत निकलेगा क्या? पर नहीं, आपको तो टीआरपी से मतलब है ना, और जिया से टीआरपी कहाँ से मिलेगी? टीआरपी तो दे रहे यूट्यूबर्स। कह दो कि ये झूठ है। लेकिन आपके फिर भी अकल नहीं आ रही, आप उन्हीं को गाली दे रहे हो जो आपको टीआरपी दे रहे हैं। वाह सालो, अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो। इसे कहते हैं जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो, और इन्होंने तो छेद भी नहीं किया भाई, थाली को बुलडोजर के नीचे रख दिया। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, पहले एक ये मोहर शर्मा आई थी बिग बॉस में। मेरा सवाल है मनीषा रानी जी से। ओके, पूछ लीजिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि उनको इतना क्या लगा कि उनको अभिषेक और जिया का बेड एक्सचेंज कराना था, क्या इसके पीछे? इस लड़की को कहीं तो देखा है? मिरेकल। तभी मैं कहूँ कि ये जो बोल रही है महिला, उसे इंटरनेट तो सपोर्ट नहीं कर रहा, और जब ये खबर बाहर आई तो बिग बॉस ने इस ट्वीट को ही रिमूव करवा दिया। बस हवा निकल गई। फिर सल्लू भाई आप कहते होगी अनस्क्रिप्टेड शो है, जैसे आप घर के अंदर बर्ताव करोगे, जो आप बोलोगे हम वही दिखाएंगे हम। गजब टोपी बाज हो यार, तभी सब कहते हैं कि इस रियलिटी शो में रियलिटी को छोड़ के सब कुछ है। सबके सब चोर हैं साले। महेश दल्ले। रिसेंटली बिग बॉस में कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर्स आए थे, जैसे कि हर साल आते हैं। पहले दिन आए हमारे आपके प्यारे फुकरा इंसान की मम्मी, जो कि रात भर वहाँ पे रुकी। डिंपल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू बिग बॉस। फिर आए पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के सबसे चहीते अंकल महेश दल्ले। बेड़ा दल्ले बेनी बाप।
बुड्ढा नहीं रुकता भाई, ये नहीं रुकता। ये सारे लड़कों से चार कदम आगे चल रहा है इस उम्र में भी। और सभी लड़कियों से चिपकने की मजबूरी। आज का ज्ञान, बुढ़ऊ क्या हो जो लाठी पकड़ने की उम्र में लड़कियां पकड़ता है, जो सबकी माँ बहन बेटी को एक नजर से देखता है, अपनी वाली को भी। And now we see where she got all this toughness. अरे छोड़ दो दरिंदे अंकल, इतना कस के रोका हुआ है टुनटुन दीदी को, भाई इतना कस के तो कोई टट्टी नहीं रोकता। नहीं समझ। नहीं देख, खामोश। देखिए मेरी आंखों में, देखिए। पूजा भट्ट भी सोच रहे होगी, पापा 100 कैमरे लगे हैं यहाँ पे। पापा यहाँ नहीं, पापा पापा यहाँ नहीं, पाप। यहाँ पे हैंग होना बंद करो ना पापा, नहीं तो ये हमारा सिस्टम हैंग कर देंगे अगर एक भी हैरेसमेंट का केस हो गया तो। सिस्टम पार देंगे। आई एम वेरी लकी कि मैं आपसे मिल रहे हैं, वरना पता नहीं, नहीं मिल पाते। चुप होके सुनेंगे आप मेरी बात। खामोशी में वार्तालाप करते हैं। ये जो जिस खामोशी से वार्तालाप करना चाह रहा है ना ये बुढ़ऊ, देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कमीना है। एक दिन यही खामोशी से जेल की खामोशी दिखा देगी। बुढ़ाऊ अंकल ने बच्ची डरा दी, पीछे से अभिषेक भी बोल रहा होगा, जल्दी वहां से हटो। हट भाई। बहुत लंबा है तू। सब इधर लंबा। मैं नीचे हो जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई नीचे नहीं होना। वैसे इतना चेप तो जद हदीद भी नहीं हुआ पूरे शो में, जितने ताऊ एक दिन में हो गए सबसे। फेविकोल पीते हो गया अंकल? फेविकोल का जोड़ छुटा है ना छुटा। अरे बस कर भाई। इस इमोशनल हग से पहले महेश दल, मेरा मतलब महेश अंकल ने एल्विश से बोला, तू रोया ना तो मेरा दिल भी रोया। मतलब तुम सोचो कितनी सेंसलेस बातें कर रहे हो, इन बुढ़ों के पास टाइम होगा बिग बॉस देखने का? कितना झूठ बुलवाते हो यार बिग बॉस वालों, तुम कितना झूठ बुलवाते हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इतना I love you मत बोल, महेश अंकल सीरियस ले लेते हैं यार, फिर तुम खबरों में आ जाओगी। पर नहीं यार, महेश जी को हम यूं ही बहुत बुरा मान रहे हैं, उनकी फिल्म्स, उनका इतना बड़ा करियर, इतना इन्फ्लुएंस देख करके तो मैं कह सकती हूँ कि वो दैत्य हैं। इस उम्र में ताऊ ने गर्दा उड़ा रखा है बिल्कुल। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि इस उम्र में भी ये इतने एक्टिव है, चाहे वो फिल्म्स बनाने की बात हो, चाहे काम करने की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे ठरकपन की बात हो। आई मीन ये वीडियो खत्म करने का टाइम आ चुका। धन्यवाद। वैसे आशिका निकल चुकी है बिग बॉस से, तो बंदर हमारे तीन फेवरेट सी बच्चे हैं, एल्विश, फुकरा और मनीषा। तो यार आप लोग मिलकर के आग लगाते रहो, झंडे गाड़ दो, गर्दा उड़ा दो, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। ओके, सो दैट इज इट टुडे गाइस, होप आप लोग वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।